31 सितंबर 2024 को विकासखंड स्तरीय क्विज प्रतियोगिता का आरंभ किया गया है। यहाँ पर पंडाल में आ जाए उनके। आज 30 सितंबर 2024 को भागरी जूनियर हाई स्कूल में ये क्विज प्रतियोगिता चल रही है। इसमें से जो बच्चे निकल के आएंगे उनको इनाम से नवाजा जाएगा। ये बच्चे क्विज प्रतियोगिता में यहाँ भाग ले रहे हैं जूनियर हाई स्कूल भाकरी में। इनकी काबिलियत का ये एक टेस्ट साइंस का, जो बच्चे इसमें से निकल के आएंगे उनको इनाम से नवाजा जाएगा। इन्विजिलेटर्स यहाँ बच्चों का एग्ज़ाम कराते हुए श्याम बाबू जी, जो कि बहुत अच्छे टीचर्स में शुमार किया जाता है इनका। और यहाँ स्कूल के प्यारे प्यारे बच्चे इस क्विज में भाग लेते हुए, ये बच्चों का टेस्ट चल रहा है। और यहाँ हमारे टीचर्स बच्चों को लाए हैं, कुछ अभिभावक भी यहाँ पर कुर्सियों पर उपस्थित। यहाँ भी बच्चे बैठे हुए हैं जो कि क्विज प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं बच्चे। और इन्विजिलेटर के तौर पर यहाँ मैम और ये डॉक्टर JP शर्मा जी और एक मैम और यहाँ, जिन इन्विजिलेटर्स यहाँ प्रतियोगिता में बच्चों को देखते हुए उनकी हेल्प कर रही हैं। कुछ खामियां या कुछ प्रॉब्लम होती है लिखने को, फॉर्म भरने में या सवाल समझने में। यहाँ बाहर जो हैं वो गार्जियंस और टीचर्स जो कि स्कूल से बच्चों को लाए हैं वो यहाँ कुर्सियों पर शिविर बैठे हुए हैं। यहाँ हरदिल अजीज़ ABO साहब लोधा यहाँ इस क्विज प्रतियोगिता में मुआयना करते हुए यहाँ भाकरी पर आइए वार्तालाप करते हैं। सर ये सब इस क्लास में भी प्रतियोगिता चल रही है और DO साहब लोधा जो है यहाँ पर बच्चों का मुआयना करते हुए भाकरी जूनियर हाई स्कूल में ये क्विज प्रतियोगिता चल रही है। ये प्रतियोगिता चल रही है भाकरी स्कूल में एक दूसरा रूम, जिसमें के बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग लेते हुए। सर आज ये प्रतियोगिता चल रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, ये राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के कार्यक्रम के अंतर्गत ये ब्लॉक स्तरीय क्विज प्रतियोगिता है। यहाँ ब्लॉक लोधा में 65 स्कूल जो जूनियर हाई स्कूल हैं, प्रत्येक विद्यालय से 3-3 बच्चों को बुलाया गया है और इस प्रकार से लगभग 158 बच्चे यहाँ पर परीक्षा दे रहे हैं। और इसके बाद इनमें हम लोग जो है टॉप 10 बच्चे छाँटेंगे और फिर टॉप 5 बच्चे छाँटेंगे। सभी बच्चों के लिए प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे, जो टॉप 10 हैं उनको पुरस्कृत किया जाएगा और उन्हीं टॉप 10 में जो 5 बच्चे हैं उनको जो राज्य स्तरीय जनपद स्तरीय परीक्षा होगी उसमें हम लोग किस प्रतियोगिता में भेजेंगे, फिर वो वहाँ से विजेता होकर के राज्य में जाएंगे। तो एक ये विज्ञान में अभिरुचि पैदा करने के लिए ये कार्यक्रम चल रहा है राष्ट्रीय आविष्कार अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत। थैंक यू।